श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, सपोज आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक महीने की ईएमआई देखने की आपकी एक महीने की किस्त कितनी आएगी, कि कितने साल के लिए हम लें तो किस्त कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स, सपोज आप 5 लाख का लोन लेना चाहते हो 10 ईयर्स के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, जो बैंक आपको पैसा दे रहा है वो 8% ईयरली दे रहा है, तो आपको एक महीने की ईएमआई कितनी बनेगी वो निकालनी है। तो फ्रेंड्स, हम ईएमआई इसलिए निकालते हैं क्योंकि सपोज पूरे घर का सारा खर्चा निकालने के बाद हमें ईएमआई के हम पैसे देने में समर्थ है या नहीं है, तो वो निकालने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन बटन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पीएमटी। अगर यहाँ पे पीएमटी शो नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे जाके ऑल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद पीएमटी शो होगा। पीएमटी को सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, ये पूछता है रेट, यानी किस रेट पे लिया है आपने, 8% पे लिया है फ्रेंड्स, तो 8% को सिलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे 12 से। हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 12 जो है, जो 8% है वो ईयरली है, अगर हमें एक मंथ की किस्त निकालनी है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। एन पर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, आप कितने ईयर के लिए लेना चाहते हो, 10 ईयर्स के लिए, अगर हमें इसको मंथ में तोड़ना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से मल्टीप्लाई 12। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पूछता है, जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू जो पूछता है, जो आपने लिए हैं पैसे, कितने पैसे ले रहे हो आप, 5 लाख, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं 6,066.38 की आपकी ईएमआई जाएगी, यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 6,066.38। फ्रेंड, इसका डॉलर, अगर आप डॉलर का साइन हटाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा आता है, इस पर क्लिक कर लेंगे वो हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक महीने की ईएमआई आपको पता चल जाएगी अगर 10 ईयर्स तक आपको ये देंगे हर मंथ। सपोज आप इसको देने में समर्थ भी हैं, इससे ज्यादा दे सकते हैं, तो आप 5 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। अगर हम 5 ईयर्स देखेंगे तो 5 ईयर्स में जाएगी 10,138.20 रुपए। तो इस तरह से आप बदल के भी दे सकते हैं। सपोज आप 1 लाख का 10 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे तो 10 लाख के हिसाब से उसकी किस्त बन के आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे 5 लाख से करूँ तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको की ईएमआई कितनी बनेगी, कितने ईयर्स की। ये तो हो गई फ्रेंड्स पीएमटी की बात। अब हम बात करते हैं आईपीएमटी और पीपीएमटी, ये क्यों यूज होता है। फ्रेंड्स, अभी तो हमारी एक महीने की ईएमआई ये निकल गई, मगर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी जा रही है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो हमने पैसे लिए हैं वो कितने जा रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट जुड़ के कितना जा रहा है, क्योंकि जो ईएमआई होती है दोनों को सम करके जोड़ होता है दोनों चीजों को, तो हम इसको अलग अलग करके निकालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि पहले महीने में कितनी जा रही है, दूसरे महीने में कितनी जा रही है, सब देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू के नीचे क्लिक करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे पीपीएमटी का फंक्शन, फंक्शन बटन पर जाएंगे और यहाँ पे पीपीएमटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, ये पूछता है रेट, तो रेट सिलेक्ट कर लेंगे 8%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, जैसे हमने पहले किया था। इसमें नई चीज आ गई है पर में आपको ये सिलेक्ट करना है मंथ, है ना, पर मंथ। ठीक है, फिर आता है एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने ईयर्स के लिए लेना है, 5 ईयर्स, फिर पहले जैसा ही है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, क्योंकि हमें मंथली तोड़ना है। और फीचर वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या है, 5 लाख। फ्रेंड्स, ओके बटन पे क्लिक कर। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू जाएगी 6,804.86। ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉमा आठ पे क्लिक कर देंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। ऐसे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्लिक करेंगे, फंक्शन बटन पर जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आईपीएमटी, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ये पूछता है रेट, आप किस रेट पे ले रहे हो, 8%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। पर मतलब पर मंथ, मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, 5 ईयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी, 5 लाख, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर। तो ये हमारी इंटरेस्ट निकल के आ गया, यानी हमारी किस्त में इंटरेस्ट इतना जा रहा है डॉलर हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहली जो हमारी ईएमआई जा रही है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू जा रही है 6,804.86 की और हमारा इंटरेस्ट जा रहा है 3,333.33। फ्रेंड्स, जो इसका सम है वो यही आना चाहिए, तो हम इसको सम कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को और यहाँ पे सम पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ईएमआई इतना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और जो पैसा हमने लिया वो इतने जा रहे हैं। तो इसी तरह से मान लेते हैं ये 5 ईयर्स के लिए जगह हम 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, तो 2 ईयर्स लिखेंगे तो ये 2 ईयर्स में आ गया। देखिए 2 ईयर्स की किस्त हमारी इतनी जा रही है और इतना इंटरेस्ट जा रहा है और इतना।
फ्रेंड्स जब हम इसको ट्रैक करेंगे दूसरे महीने तो ये ट्रैक नहीं होगा, ट्रैक क्यों रहा ना, क्योंकि 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ, तो हम 24 मंथ तक खेचेंगे तो मगर ये जो है ना ट्रैक नहीं होगा, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। देखो इसको क्या करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं,